अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ईटा के फास्ट पेपर के पार्ट टू के साथ। हमारे पास यहाँ पर इसी पेज में सवाल नंबर 19 है कि द डाउन फॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइज ऑफ एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद दोस्तों मुग़ल सुल्तनत जो था इसका जवाल शुरू हो गया था, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ये भी याद रखिए दोस्तों कि मुग़ल ख़ानदान का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर थे। सवाल नंबर 20 ये पेडागोजी से रिलेटेड है, तो इसको स्किप कर देते हैं। सवाल नंबर 21 है, डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इन लेटर्स। एप्लीकेशन और लेटर के आखिर में दोस्तों आखिर में हम योर्स ओबेडियंटली लिख देते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए योर्स ओबेडियंटली, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में ओबेडियंट का ओ जो है ये बड़ा लिखा गया है। ऑप्शन सी में यहाँ पर कामा लगाया गया है यूअर्स, और ऑप्शन डी में कामा भी है और ओ जो है ये बड़ा लिखा गया है। सवाल नंबर 22 है, समवन हैज़ ब्रोकन योर पिन, पी सी ओ वाइस इसका बनेगा, हैज़ के बाद बीन लगाया जाएगा, योर पिन हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है, डेंटल एमलगम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। डेंटल एमलगम ये किस सॉल्यूशन की एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड की, ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 24 है, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 25 है, केमिकली एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ऑप्शन सी करेक्ट है, केमिकली एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स। सवाल नंबर 26 है, वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन 2x-6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो व्यूअर्स, इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 2x 6 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2x मसावी है 6-x, तो 6 को जब 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 27 है, 3/8 आप 40 एस, 40 का 3/8 क्या होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, याद कर लीजिए बस दोस्तों, आपने इस तरह लिखना है 3/8 ज़रब 40, तो 8 8 कम 8, 8 5 40, 40 5 के साथ क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास ऊपर 3 और 5 रह जाएगा, 3 और 5 को जब हम ज़रब देंगे 3 5 15, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 28 थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि द डेसिमल पाम ऑफ 40%, 40% का डेसिमल पाम आप किस तरह निकालेंगे। 40 को हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, फिर मजीद डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर 0.4 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 29 है, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। कुरान मजीद का सबसे पहले पारसी तर्जुमा शाहवलीउल्लाह ने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। इसी सवाल के साथ ये भी याद रखिए कि शाहवलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। शाहवलीउल्लाह 1703 को पैदा हो गई थी और 1762 में वफात पा गई थी। सवाल नंबर 30 है, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। सवाल नंबर 31 है, चूज द करेक्ट वन, यहाँ पर करेक्ट वन सेंटेंस ऑप्शन ए है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 है, द प्लूरल ऑफ लाउस इज लाउस, जो को कहा जाता है, लाउस का प्लूरल दोस्तों लाइस है, ऑप्शन बी। इस तरह माउस का प्लूरल क्या बनेगा, माइस, लाउस का प्लूरल यहाँ पर लाइस है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये भी याद रखिए, अगर कंप्यूटर की माउस की बात की जा रही हो तो कंप्यूटर की माउसेस की प्लूरल माउसेस है, कंप्यूटर की माउस का प्लूरल माउसेस है, लेकिन चूहे की अगर बात की जाए माउस तो उसका प्लूरल पाम माइस है, ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम नहीं है, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन डी ठीक है।
तो व्यूअर्स ये रहा ईटा के फास्ट पेपर के एमसीक्यू उसका दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने इसी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।